नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मुंबई के उपनगर मीरा रोड इलाके में देर रात अपने घर लौट रहे मनीष और कविता पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन ये हमला जुर्म की एक नई कहानी का पहला अध्याय साबित होता है। आखिर क्या वजह थी इस हमले के पीछे और किसने किया था ये हमला? क्या ये हमला सिर्फ इस जोड़े को कोई सबक सिखाने के लिए किया गया था, या फिर कुछ और मंशा थी इस हमले के पीछे? जुर्म की ये दस्तक अपने साथ एक ऐसी आंधी लेकर आई थी जिसमें कई जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी। हे भगवान, क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ? मैंने तो लाख बार बोला है कि इस तरह देर रात कहीं आना जाना सही नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? क्या पुलिस भी आ गई? बस यही देखना बाकी था। इनकी हालत काफी गंभीर है, अगर ये टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो इनकी जान भी जा सकती है। आप दोनों को किसी पर शक है? सर, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे और उन्होंने हम पे हमला क्यों किया, हमें नहीं पता। मनीष, इस तरह अचानक हमले की कोई तो वजह होगी, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, हम सच में नहीं जानते। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ नहीं देखा? कम से कम ये तो पता होगा ना कि कितने लोग थे। सर, हमें जो पता था वो आपको सब बता दिया है, बस हम पे विश्वास रखिए सर। तुम लोग इतनी रात में कहाँ से आ रहे थे? सर, दोस्त से मिलने गए थे। मनीष को हमलावरों ने इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की पूछताछ में ये साफ दिखाई दे रहा था कि मनीष और कविता उन हमलावरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उन्हीं हमलावरों को बचाने में जुटे थे जो उनकी जान लेना चाहते थे? देवा, कितनी मार लगा मजा मुलाना। आज भी देखकर उनको ऐसा लगता नहीं कि वो बड़े हो गए हैं। जब भी देखो कॉलेज की हरकतें रहती है, कोई नहीं कह सकता कि उसकी शादी हो गई है। जब भी देखो मस्ती में रहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है आई? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दिखाते हैं। अच्छा, अब तू भी कविता की तरह होने लगी है? बच्चों के बारे में क्या सोच रहा है? अरे पोता कब आएगा घर में? आई, हम अपनी खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तीसरे की देखभाल कैसे करेंगे अब? अरे आई, तू चिंता मत कर, तीसरा भी आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि मनीष हमलावर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? सर, हो सकता है कि मनीष हमलावर को अच्छे से जानता हो, शायद इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई पहचान वाला इतनी बेरहमी से मारेगा? वो तो मनीष की किस्मत अच्छी थी कि बच गया। दोनों का कहना है कि दोनों ने कुछ नहीं देखा, ना हमलावर का चेहरा ना कोई और पहचान, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो कुछ और छुपाने की कोशिश कर रहा है, शायद उस पर वो हमले की वजह है, कोई बड़ा क्राइम। इस मनीष की कुंडली निकालनी पड़ेगी। सर, मैंने इस मनीष के बारे में कुछ बातें पता की हैं। कई सालों से शांतिनगर में रहता है और पेशे से ड्राइवर है। उसके साथ काम करने वाले लोग, यार दोस्त रिश्तेदार, सबसे पूछताछ करो। अगर इस हमले की वजह कोई क्राइम है तो इस क्राइम में और पार्टनर्स भी हो। राइट सर। मैंने ही उनको हॉस्पिटल छोड़ा था, लेकिन उनका किससे झगड़ा हुआ, किसने उसको मारा, मुझे नहीं पता। मनीष तो लगभग हर रात को बाहर जाता है सर, वो भी अपनी बीबी के साथ। उसका एक फ्रेंड है मंगल, उसी के साथ वो रहता है। हाँ सर, बहुत बार दोनों को गैरेज पर जाते देखा है। जहाँ वो मंगल काम करता है ना, गैरेज भी लेट नाइट जाते थे। क्या हुआ? ओ, गलती से गिर गया, मैं उठाती हूँ। तुम सोचो। सर, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मनीष और कविता लगभग हर रात गैरेज जाते थे। दोनों हर रात क्यों गैरेज जा रहे थे? ऐसा क्या चल रहा था उस गैरेज में? कहीं किसी गलत काम की डीलिंग तो नहीं चल रही? वैसे भी मनीष की माली हालत ठीक नहीं, तो हो सकता है कि किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो गया हो और मजबूरी में उसे अपनी पत्नी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। मुझे जल्द से जल्द दोनों की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। इसको कहीं देखा है? हाँ साहब, ये तो मंगल के दोस्त हैं, आते रहता है कभी कभी। कल रात भी आया था ये? कल रात भी आए थे साहब।
और ये? मनीष ने बोला था कि वो अपने दोस्त के घर था, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मनीष गैराज में था। पुलिस को इस बात का आभास हो गया था कि गैराज में कुछ तो गलत हो रहा था, और फिर एक चौंकाने वाली हकीकत उनके सामने आई। आप लोग? मंगल यादव आप ही हैं? जी हाँ। आज से दो दिन पहले आपके गैरेज में जिसमें मनीष और कविता आए थे, इन दोनों के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जी पूछिए। कुछ डिटेल में बता सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन? हम दोस्त लोग मिले थे और पार्टी वार्टी हुई थी, गेट टुगेदर। यहाँ से जाने के बाद ही उन पर अटैक हुआ था, क्या तुम उस वक्त गैरेज में थे? यस सर, मनीष यहाँ डेली आता है, लेकिन उस पर हुए हमले के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ताला खोलो। योगेश और चंदा की लाश ने इस केस का रुख ही बदल दिया। क्या मनीष ने अब तक जो पुलिस को बताया था वो सब सच था? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मनीष और कविता पर हमला किया था? क्या वाकई में मनीष उन हमलावरों को नहीं जानता था, या फिर वो जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था? अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था तो ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या उन्हीं हमलावरों ने चंदा और योगेश की भी हत्या की थी? आखिर उस हमले और इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? इस केस में अब भी ऐसे कई राज थे जिनका सामने आना बेहद जरूरी था। सर, विक्टिम के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। कदम, इस गैराज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमला किया जा सकता है। अच्छे से छानबीन करो, शायद मर्डर वेपन यहीं आसपास ही हो। गैराज का मालिक कौन है? सर, पाटिल साहब। कदम, पाटिल को थाने बुलाओ, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। राणे तुम वहां देखो, रेणुका इधर देखो। राणे एक पाना गायब है, आसपास ही होगा। राणे इधर फॉरेंसिक में भेजो। मुझे जो पता था वो आपको बता दिया है सर। आप बार बार पूछेंगे तो भी मैं यही बता सकता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं। कविता, क्या तुम्हें कोई ऐसी बात पता है जो मनीष हमसे छुपा रहा हूँ? नहीं, वो सच कह रहे हैं, हम और कुछ नहीं जानते हैं। मनीष देखो, तुम्हारे भैया और भाभी का खून हो चुका है, तुम अब भी चुप? सच सच बताओ, क्यों जाते थे गैरेज में? सर एक्चुअली हमारा घर बहुत ही छोटा है सर, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार सकते, तो हम इसीलिए दोस्त के गैरेज पे गए। पर भैया अभी उस गैरेज पे कैसे पहुंचे वो हमें नहीं पता। कहीं आपसी रंजिश का मामला तो नहीं? हो सकता है कि किसी बात से गुस्सा होकर योगेश ने मनीष पर हमला किया और बदला लेने के लिए मनीष ने योगेश और उसकी पत्नी को मार दिया। कदम, आस पड़ोस में पता लगाओ ये दोनों भाई मनीष और योगेश, इनके रिलेशन कैसे? ओके सर। कैसी बात करें सर, मनीष भाई और झगड़ा बहुत ही शांत स्वभाव था उनका। हाँ, अपने भाई से थोड़ा परेशान रहते थे। दोनों में झगड़े भी होते थे? दोनों भाइयों में झगड़े की वजह? योगेश को मनीष और उसकी वाइफ पसंद नहीं थे। ठीक है। जब से मनीष की शादी हुई है ना, तब से दोनों भाइयों में काफी झगड़ा होने लगा है। घर को लेकर भी दोनों भाइयों के बीच में कुछ टेंशन था। मनीष तो इस घर को बेचकर नया घर लेना चाहता था, पर योगेश ऐसा नहीं चाहता था। सर, आदमी अगर अपनी बीबी के दिमाग से काम करने लगा ना, तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक की जगह पैरों का इस्तेमाल करता है, और यही उसके साथ हुआ। वो तो कविता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि अपने भाई से लड़ता था, और कविता को एक छोटा का रास नहीं आता था। पंगे तो बहुत होते थे दोनों भाइयों के बीच में, यहाँ तक कि मारपीट भी होती थी, और हमने कई बार देखा भी है, पर उसके लिए मनीष योगेश का मर्डर नहीं कर सकता सर, वो ऐसा लड़का नहीं है सर। थैंक यू। शायद चंद्रा किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी। हो सकता है योगेश ने उसे फॉलो किया और चंदा की सच्चाई उसके सामने भी आ गई, फिर उसका झगड़ा उस क्लाइंट से हुआ हो जिससे चंदा मिलने गई थी, और बात बात में बात इतनी बढ़ी कि योगेश और चंदा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सर, गैराज के मालिक आए। बोला बैठिए। दो लाशें मिली हैं आपके गैराज से, ये और ये, पहचानते हैं इन दोनों को? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। गैराज की चाबी किसके पास रहती है? साहब, गैराज की दो चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती है, एक मंगल के पास रहती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्योंकि अगर आपने कुछ छुपाया और हमें पता चल गया
जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। साहब मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगा, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ मैं, और कभी भी आपको जरूरत पड़े बुला लेना ना साहब। जा सकते, थैंक यू सर। घर से निकलने से पहले क्या बोल कर गए? हाँ वो कोई पिक्चर देखने जा रहे थे। बेटे जरा पानी लाना। जी अंकल। देखिए ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये पता लगाने के लिए हम सारे एंगल खंगाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी बहू किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति में शामिल थी? काय म्हणताय साहब तुम्ही, वो मेरी बहू है, इस घर की इज्जत, वो ऐसे कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोल के जाएंगे क्या हमें? हम शरीफ लोग हैं, मुझे कुछ बात करनी नहीं है आपसे, चले जाइए यहाँ से। कुछ भी बोलते हैं हमें। सर ये रहे योगेश और चंदा के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट। सर रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं थे। सर फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम योगेश और मनीष की सैलरी है, और सर फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोस्टली कॉल्स आसपास के लोगों के और फ्रेंड्स के हैं। अब सर एक ही एंगल है जिस पर हम काम कर सकते हैं। कौन सा? सर मंगल और चंदा, ये दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बात करते थे, लेकिन मंगल ने योगेश से बिल्कुल ना के बराबर बात की। इस मंगल के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो कि उस रात ये कहां था। राइट सर। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, बर्बाद करके रखा इस घर को, खा गए मेरे बेटे को। ये काय बोलते हो, मैं अपने भाई को क्यों मारूं? ए, तू जस्ता बोल लो कुस्तमला, लिए कभी घर की जिम्मेदारी, किए चिंता घर की, बस मस्ती मस्ती मस्ती। भाई तू क्या बोल रही है ये? ए, तू मचा ढोके जाओ लो कुस्त, जस्ता बोल लो कुस्त तू। एक योगेश था जिसे इस घर की चिंता थी, उसे तुम लोगों ने क्या लिया? मिली शांति, कलेजा ठंडा हो गया क्या? योगेश भाई जा झगड़ा मान लो या लो याने। सर हमारा शक सही निकला, लोकेशन डिटेल के हिसाब से मंगल की लोकेशन कत्ल वाली रात गैरेज के आसपास के एरिया में थी। चलो जरा से पूछताछ करते हैं और उसे लेकर आते हैं। राइट सर। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो, फोन दे अपना, जल्दी निकाल। साहब साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों कुछ किया है तूने? नहीं साहब। हरी मिला है। ये क्या है? सब ये वो, मैं कहीं फंस नहीं जाऊं इसलिए मैंने इन्हें छुपा दिया था साहब, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर ये वो सर 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 मारो मत, सर 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 मारो मत, सर सर मारो मत, सर 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 मुझे नहीं पता कि उस पाने पर वो खून कहाँ से आया। सर हम तो सब अपनी पत्नियों के साथ गैराज में एंजॉय करते थे, हमारे घर बहुत छोटे हैं इसलिए हम गैराज में डांस और ड्रिंक करते थे। ये कैसी पार्टी थी जिसमें बीवियां घुंघरू पहनकर नाचती थी? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, एंजॉय करना है यार, क्या है? मुझे नहीं पसंद है ये सब, बंद कर दे यार। मनीष तूने ये सब शुरू करवाया और अब कह रहा है कि बंद कर दे? ये सब इतना आसान नहीं है समझा? धमकी दे रहा है मुझे, धमकी दे रहा है। पाटिल का नंबर है मेरे पास, पाटिल को पता चलेगा ना ये सब कर रहा है, तू नचवा रहा है सब, तो तुझे मुजरा करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सब पाटिल। तू पाटिल को फोन करेगा? तू जानता नहीं मेरा नाम क्या है? मंगल नाम है मेरा, मंगल, और जो मेरे रास्ते में आता है ना उसका अमंगल शुरू हो जाता है समझा? और तू पाटिल को अगर फोन करेगा ना, वो जो तेरी बीवी है ना कविता, जो अभी यहाँ मुजरा कर रही थी, उसे मैं कोठे पे मुजरा करवाऊंगा। मनीष चलो चलो। सर हम लोग तो मनीष को सिर्फ डराना चाहते थे और इसीलिए हमने उस पर हमला किया। और योगेश के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे मार दिया? अब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने योगेश को नहीं मारा। सर हम में आपस में झगड़ा हो सकता है हम दोस्तों में, लेकिन हम में से कोई भी किसी का खून नहीं कर सकता। सर एक मंगल तू पहले भी झूठ बोल रहा है, तू अभी भी झूठ बोल रहा है, बोल सर सच। ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, उस पार्टी में जो भी आता था सबका नाम पता और सारी डिटेल्स, समझा ना? चलो इन सबके घर पे अच्छे से तलाशी लो,
सबसे पूछताछ करो। एक फ्रेंड्स का ग्रुप गैरेज में मिलता है पार्टी करने के लिए, और ये उनका रोज का रूटीन है। लेकिन योगेश और चंदा उस रात गैरेज में क्या कर रहे थे? क्या वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है? और या फिर अगर उनकी अलग से पार्टी चल रही थी तो और कौन कौन इस पार्टी में शामिल थे? कदम बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है। सर, मनीष और योगेश में आपस में बनती नहीं थी। सर, थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि योगेश और चंदा मनीष के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उस परिवार के छोटे लड़के मनीष पर जानलेवा हमला होता है जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है, और मनीष के बड़े भाई योगेश और चंदा की लाश हमें गैरेज में मिलती है। परिवार में आखिर चल क्या? सर, सबके घर में घुंघरुओं का मिलना भी थोड़ा अजीब है। हमने प्रोस्टिट्यूशन का एंगल भी चेक किया बट कुछ हाथ नहीं लगा। वही, अगर ये प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ा मामला नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? मंगल के गैराज पर जो कुछ भी चल रहा था वो मौलिकता से परे था। ऐसे हालात में ईर्ष्या, गुस्सा और दुश्मनी अपनी जगह बना ही लेते हैं, और शायद यही वजह थी मनीष और कविता पर हमले की। पर क्या यही वजह सबूतों के अभाव में पुलिस को मंगल को रिहा करना पड़ा? कदम, हो सकता है इस मंगल और चंदा के बीच में कोई अफेयर था जिसकी वजह से चंदा को मारा गया। हो सकता है सर। मंगल के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी लोकेशन उस रात गैरेज के आसपास ही थी, और सर ये चंदा से लगातार बात भी करता था। और जरूर इस अफेयर की वजह से चंदा और उसके पति में झगड़े भी होते होंगे। चंदा और योगेश की केमिस्ट्री अगर पता चल जाए तो आधा काम आसान हो जाएगा। एक काम करो, घर के आसपास पूछताछ करो और चंदा की बेटी से भी पूछो, शायद कुछ पता चल सके। शायद उसने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा हो और कभी ये मंगल का नाम सामने आया। एक वही है जो हमें कुछ बता सकती है, क्योंकि घर के बाकी लोगों को तो इस वक्त इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। राइट सर। ओपी, नीलू, नीलू ने ओपी ला पाया? ओपी और नीलू को देखा है? नहीं, ओपी। हमें चंदा की बेटी गोपी से कुछ बात करनी है। सर, हम अभी के पास आने वाले थे। क्यों? नीलू और गोपी सुबह से नहीं मिल रही। पूरे एरिया में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली वो। सर, ये केस तो और सेंसिटिव होता जा रहा है। दोनों ही बच्चियां गायब हैं। घर वालों का कहना है कि किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। कदम, जरूर उन बच्चियों को कोई ऐसा राज मालूम था जिससे किसी को खतरा हो सकता था, और उस खतरे से बचने के लिए ही उन्हें अगवा किया गया। हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा। पता नहीं किस हाल में होगा। सबसे पहले इस चंदा और मंगल के एंगल को क्लियर करते हैं। जरूर कुछ पकड़ा था इन दोनों के बीच, नहीं तो ये मंगल सिर्फ चंदा के टच में क्यों था? राइट सर। क्या चल रहा था तेरे और चंदा के बीच में? नहीं सर। अगर कुछ नहीं चल रहा था तो इतनी देर देर तक उससे फोन लगाकर कस्टमर केयर खेल रहा था? सर, मंगल और चंदा ये दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। हाँ, हेल्पलाइन खोल के रखी है तूने? योगेश को तो कभी फोन नहीं किया तूने इतना? देख मंगल, सब सच सच बता दे, हमें पता है, बोल। सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। सर ऐसा नहीं बोलेगा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। लेके चलो। सर, सर वो मैं बताता हूँ सर। सर वो हेमा और मनीष का चक्कर चल रहा था। सर, वैनी ने मुझे दो तीन बार समझा कि उससे मत मिल, उससे मत मिल। मैं मान भी गया सर। सर लेकिन इससे पहले मैं उससे दो तीन बार मिला, उसके साथ दो तीन बार वक्त गुजारा। कविता, सुन मेरी बात। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मनीष? ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? माजा कर चुक लो, मतलब माफ कर, मैं आने से ऐसा नहीं करूंगा। कसम से प्लीज। मैं अब तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती मनीष। मुझे मालूम है मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आने से फिर से नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी? जिस तरह तुमने किसी और के साथ अफेयर किया है ना, उसी तरह मैं भी मंगल के पास जाऊंगी, फिर तुम भी मुझे माफ कर देना। हाँ, बेटा क्या हुआ था? डरो मत, साफ साफ बताओ। अंकल, अंकल आंटी के बाद जब मम्मी पापा पे हमला हुआ तो हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि हमें भी मार देंगे, इसके लिए हम भाग गए। बेटा आपको किससे डर था? मुझे नहीं पता अंकल, बस हमें डर था। और रास्ते पर क्या हुआ था? वो ड्राइवर अंकल हमें काम करवाते थे और काम के बाद हमें खाना देते थे।
खाना खाने के बाद हमें चक्कर आने लगता था। और उसके बाद फिर? चक्कर आने के बाद पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, और फिर हम बेहोश हो जाते थे। इन दोनों का ध्यान रखिए, दोनों बहुत डरे हुए हैं। पहले माँ बाप की हत्या हुई, फिर ये सब। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे फिर से भागने की कोशिश करें। नहीं नहीं। बेटा मेरे साथ मंदिर चलोगे? हाँ आई, आज मैं पूरा टाइम घर पर रहूंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। दोनों बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर का स्केच बनवाया और खबरियों के नेटवर्क के जरिए वो ड्राइवर पकड़ा गया। सब कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ नहीं किया मैंने। बैठ। सर, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया जिसने दोनों बच्चियों का रेप किया था। कदम, मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि बच्चियां किस बात से इतना डर गई थी कि अपने ही घर से भाग गई। अंकल आंटी के बाद जब मम्मी पापा पे हमला हुआ तो हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि हमें भी मार देंगे, इसके लिए हम भाग गए। सर, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बच्चियों ने योगेश और चंदा का मर्डर होते देख लिया और कातिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, शायद उसी के डर से घर छोड़ के भाग गई हो। पॉसिबल है। तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है, बताओ क्या लाया? जलेबी। लो। चलो अब घर चलते। आखिर क्या रहस्य था कविता, योगेश और चंदा की मौत का? एक ही घर के कई सदस्य मौत के घाट उतर चुके थे। पुलिस की शक की सुई इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी। सर, हाँ कदम। सर, हर किसी के बयान में मंगल का नाम जरूर आ रहा है। सर, हो सकता है कि अटैक और मर्डर में मंगल इन्वॉल्व हो। इस मंगल की कुंडली निकलवाओ और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी खातिरदारी भी कर। ओके सर। साहब, मनीष ने सबके सामने कविता को मारा था, आप किसी से भी पूछ लीजिए। क्यों मारा था मनीष ने कविता को? साहब, क्योंकि वो मैंने सबके सामने झूठ मूठ कह दिया था कि वो मेरे साथ सोई है। और मनीष के सामने अपनी धाक जमाने के लिए मैंने उससे झूठ बोला। यार अच्छा हुआ जो तूने वो ब्रोकर के ऑफिस में नौकरी कर ली, ये मस्त पार्टी वार्टी तो होने लगी ना। हाँ यार, उस दिन जो गैरेज में हुआ था ना, उसके बाद से ऐसा लग रहा था जिंदगी का मजा ही खराब हो गया था। अब लग रहा है रौनक फिर से लौट आई है। और मनीष, सच बोल रहा हूँ यार, क्या मस्त बीवी पाई है तूने। मैं तो एक ही रात में जन्नत जाके आया हूँ, और तेरा तो रोज का आना जाना होगा। इतना सब होने के बाद भी तुम लोग सुधरे नहीं, गैरेज नहीं तो दूसरे फ्लैट पर मिलते रहे। क्या हुआ था? सर, कविता को थप्पड़ मारा? हाँ सर, मैंने कविता पे हाथ उठाया, लेकिन सर मैं उसे सॉरी भी बोला। मुझे लगा कि मैंने भी गलती की है उसके साथ, उसका विश्वास तोड़ा है, तो वो कैसे गलत हो सकती है? सर, मैं उसे मार नहीं सकता। सर, मैं उसे बहुत प्यार करता था। और ये सब जब हुआ तब मैं मंदिर में था बच्चों के साथ। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब बुलाऊँ आ जाना। उस दिन जब मनीष अंकल तुम्हें मंदिर लेकर गए थे तो पूरे टाइम तुम्हारे साथ थे या फिर कहीं बाहर गए थे बीच में? उस दिन तो मनीष काका हमें बाजू वाली आंटी के साथ मंदिर में छोड़कर हमारे लिए जलेबी लेने गए थे। काकी, थोड़ा ध्यान रखना, मैं आता हूँ। पर वो 15-20 मिनट में वापस आ गए थे। सर, मनीष का घर और मंदिर दोनों आसपास ही हैं, और सर मंदिर से मिठाई की दुकान तकरीबन 5-10 मिनट के रास्ते पर, और सर बच्चियों के मुताबिक मनीष 15 मिनट में वापस आ गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चियों का टाइम कैलकुलेशन गलत हो, वो 15 मिनट नहीं बल्कि 30-40 मिनट बाद वापस आए, और सर इतना टाइम किसी को मारने के लिए काफ़ी होता है। सर, हो सकता है कि मनीष ने ही कविता का खून किया। इस मनीष का पूरा घर छान मारो, उठाओ उसे। राइट सर।
देख मनीष, जितना झूठ बोलेगा उतनी मार पड़ेगी। सच सच बोल, क्यों मारा? साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे जेल में क्यों बंद करके रखा है? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता साहब, छोड़ दे आओ तेला। सर क्या बोल रहे हैं आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब काई नहीं हो सर, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। बोलो कविता को क्यों मारा? आइको सांगते सांगते सांगते, जब से वो कल मुई इस घर में आए, तब से इस घर की शांति भंग हो गई। इस घर को हमेशा वो छोटा ही समझते थे, पाम से अलग होना चाहते थे। उसने मनीष को अपनी तरह बनाना चाहा, वो चाहते थे कि मनीष उसके सब सुने और वो जैसा चाहे वैसा वो करे, पर वो अपने चाल में कामयाब नहीं हुई तो उसने बाहर चक्कर चलाना शुरू कर दिया। मनीष की जिंदगी और हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा था। दूध का धुला तुम्हारा मनीष भी नहीं है, उसका भी बाहर चक्कर चल रहा था ना। पर वो मर्द है, मर्द कुछ भी करे तो चलता है, औरत कभी मर्दों के बराबर नहीं कर सकती। और मैंने चाहती थी कि गोपी और नीलू इस कलमुई की तरह बने। रिश्तों की डोर में अगर दगाबाजी का मांझा हो तो उन रिश्तों में प्यार और सम्मान कभी उड़ान नहीं भरते। अपने रिश्ते में मनीष और कविता दोनों गलत राह पर थे। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई करीबी गलत राह पर हो तो हम भी उसके पीछे पीछे उसी राह पर अपनी मंजिल ढूंढने निकल पड़े। याद रखें, गलत राह हमें सिर्फ गलत मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस केस में इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था कि चंदा और योगेश को किसने और क्यों मारा। सर ये देखिए, ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो का सोर्स पता करो, आईटी सेल के साथ वीडियो शेयर करो, पता करो किसने बनाया है और किसने इसे रिलीज किया। राइट सर। बोल कब बनाया था वो वीडियो? सर वो एक राजीव ने हमें बता दिया है। अब सर सच बोल वरना अपने तरीके से पूछूंगा। बोल। सर वो वीडियो मैंने ही बनाया था, लेकिन उसके दूसरे दिन ही मनीष अंकल के पिटने की खबर की वजह से मैं डर गया और मैं फिर वहां नहीं गया। और किस किस को पता है सीक्रेट डांस के बारे में? सर ये रहे अमित के कॉल डिटेल्स। सर कॉल डिटेल्स के हिसाब से अमित सच बोल रहा है। सर जिस दिन मनीष पर हमला हुआ उसके एक दिन पहले अमित की लोकेशन गैरेज की थी, और सर उसके बाद वो गैरेज के आसपास भी नहीं गए। कदम गैरेज के आसपास की दुकानों और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करो। और सर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, दीदी अब हम अकेले क्या करेंगे? नीलू काका को तो हमारी फिक्र नहीं है, और आजी को भी पुलिस लेकर गई है। हम ना रात होते यहाँ से कहीं भाग जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। आपने मुझे किसी को आसपास देखा था? सर शायद मैंने इसको यहाँ देखा। सर सर मैंने ही मारा अपने आई बाबा को। लेकिन क्यों, अपने ही आई बाबा को क्यों मारा? हम जीना चाहते हैं सर, मेरी बहन मुझसे काफी छोटी है और मैं पूरी जिंदगी उसको कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ। दीदी हम हॉल में नहीं सो सकते हैं क्या? इधर बहुत गर्मी हो रही है। नहीं नीलू, यहाँ पे सोना पड़ेगा, तू सो जा, आग बंद कर। उस छोटे से घर में हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से आजी को पोता चाहिए था, और फिर एक दिन मैंने आई बाबा की बात सुनी। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है सर, मैंने जो किया मेरे और मेरी बहन के लिए किया है सर। गोपी तुम्हें अभी सही और गलत की समझ नहीं है, लेकिन इस जुर्म के बाद तुम्हें सोचने का बहुत मौका मिलेगा, और जब तुम थोड़ा बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी कि किसी भी समस्या का हल जुर्म कभी नहीं होता।
गोपी को 3 सालों के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कुछ भी गोपी ने किया उसके लिए वो कितना जिम्मेदार है। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने रिश्तों को जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएं? क्या हमारी जिंदगी में रिश्तों में संवेदनशीलता इतनी कम हो चुकी है? नई सोच के नाम पर हम किसी बुरी चीज को अच्छे और एडवांस सोच का लेबल नहीं लगा सकते। हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो कुछ भी आज हम बोएंगे कल वही हमें काटना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।